हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास एट का चैप्टर नंबर थ्री कॉलेडलेटर जिसकी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज ट्वेंटी फोर डिग्री ठीक है कितने नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन बनेगा रेगुलर पॉलीगन अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो है हमारा 24 डिग्री आपको ये बताना है कितनी नंबर ऑफ साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन कितनी नंबर ऑफ़ साइड्स होगी उस पॉलीगन की जहाँ पर हर एक एक्सट्री एक एंगल कितना होगा 24 डिग्री का ठीक है तो यहाँ पर किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए और फार्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं देखो बनता कैसे है फार्मूला फॉर्मूले की आप डेरीवेशन को समझना कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है ठीक है अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेकेंड क्वेश्चन ठीक है वहाँ पर हमने यूज़ किया था कि जो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर देखना ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो बताया था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइट्स क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स अब देखो इस फार्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले से दो फार्मूले बनेंगे क्या इससे आप ईच एक्सटरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हो और इससे नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछे नंबर ऑफ साइड्स जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये नंबर ऑफ साइड्स का है कि हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन है मेजर ऑफ एन एक्सट्री एंगल इज ट्वेंटी डिग्री आपको दे रखा है यहाँ पर अगर हर एक एक्सट्री एंगल की जो हर एक एक्सट्री एंगल 24 डिग्री का है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन वो होगा ये आपको बताना और इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो सेकेंड क्वेश्चन था वहां पर आपको क्या दिया हुआ था हर एक एक्सट्री मतलब ईच एक्सट्री एंगल आपको फाइंड करना था आपको क्या दिया हुआ था नंबर ऑफ साइड्स वहाँ पर गिवन थी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको ईच एक्सट्री एंगल दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है ठीक है तो कुल मिलाकर अपोजिट क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे के अब यहाँ पर फार्मूला क्या हमें याद करना होगा नहीं आपको फार्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है ठीक है देखिए यहाँ पर होता है क्या है जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था ईच एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन ठीक है ये वाला फार्मूला आपको याद है एक्सटीरियर एंगल हर एक एक्सट्री एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय एन होता है अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है एन निकालना है अब यहाँ पर ये यह, यह जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है यहाँ पर देखिए होगा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा होता है जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है को इंटू होगा किससे एन से इज टू यहां पर क्या होगा थ्री सिक्सटी थ्री सिक्स किससे होगा पर नीचे क्या है वन है अब देखो आपको एन निकालना है ना तो N और ये ईच कहां पर चल जाएगा यहां पर चल जाएगा ठीक है तो फॉर्मूला नया क्या बना हमारा फार्मूला नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फार्मूला बना 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है तो आपको फार्मूला याद नहीं करना है तो सिंपल सी बात है जब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 डिग्री के नीचे क्या रख दो ईच एक्सट्री एंगल लिख दो और अगर हमारे को ईच एक्सट्रीयर एंगल निकालना है तो 360 के नीचे कौन रख दो नंबर ऑफ साइड्स को रख दो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो हम ईच एक्सट्री एंगल की जो है हमारी एंगल्स कितने डिग्री का है हर एक एक्सट्री एंगल उसको हम थ्री के नीचे रख देंगे क्लियर है बात समझ रहे हो मेरी बात को तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स भी एन हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइड्स क्योंकि हमें पता नहीं है ना तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन ठीक है देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है आपको पता ही है सम ऑफ एक्सटीरियर मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो सबका एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है ठीक है अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स निकालना है अभी मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल क्लियर है ईच एक्सटीरियर एंगल ये याद नहीं करना है आपको पता है वैसे ही बनाया है हमने तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल के आ जाएगी ठीक है तो नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या ली है एन लिए ना तो यहाँ पर लिख लीजिए एन इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय ईच एक्स एंगल कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्वेंटी फोर डिग्री यही दिया हुआ है ना ट्वेंटी फोर डिग्री अब ट्वेंटी फोर से इसे रिड्यूस कर देंगे तो ट्वेल्थ से डारा है ट्वेल्थ टू जा ट्वेंटी फोर बारह दूना चौबीस बारह तीन छत्तीस थर्टी एन ये फिफ्टीन टाइम्स ठीक है तो एन कितना आ गया हमारा फिफ्टीन आ गया एन फिफ्टीन आने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है फिफ्टीन है तो हैंस द रेगुलर पॉलीगन हैज हैंस द रेगुलर पॉलीगन फिफ्टीन नंबर ऑफ लिख दीजिए क्लियर है इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको कर रहा था अब देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं रटना नहीं है फॉर्मूला फॉर्मूला रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये रिलेशनशिप जो काम करता है ना ये कैसे रिलेशनशिप काम करता है देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कितनी होती है आपको पता है थ्री डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर अब अगर हर एक एंगल मान के चलिए कि देखिए हर एक एंगल 24 डिग्री का है इसने कहा कि हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का है हर एक एंगल 24 डिग्री का तो अगर हर एक एंगल 24 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है अपने को यहाँ पर तो जो नंबर ऑफ साइड्स होगा नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ़ एंगल्स देखिए नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती है उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है तो नंबर ऑफ साइड्स को जब इंटू करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल से ईच एक्सटीरियर एंगल्स है वो इक्वल किसके होगा थ्री डिग्री के तो होगा नहीं होगा क्या बताओ ईच एक्सट्री एंगल को अगर इंटू करेंगे नंबर ऑफ एंगल से जितने एंगल्स है उसका सम 360 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 360 होती है एक्सट्री एंगल की तो 360 के इक्वल अब अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो ईच एक्सट्री एंगल को नीचे ले जाओ और अगर ईच एस्ट्री एंगल निकालना है तो थ्री के नीचे नंबर ऑफ साइड्स को ले जाओ बस सिंपल सा फॉर्मूला है तो यहाँ से बनता है ये फॉर्मूला ये रिलेशनशिप काम आता है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ़ एंगल्स इन टू ईच एक्सट्री एंगल और नंबर ऑफ़ साइड्स क्यों लिखता हूँ मैं क्यों नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है नंबर ऑफ़ एंगल्स भी हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स क्या है एक ही बात है ठीक है जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतनी ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे है ना अभी ट्राइंगल होता है मान के चलिए ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में जितने साइड्स होती है ही तो एंगल होते हैं क्लियर है बात वन टू थ्री तीन साइड्स है तो तीन ही एंगल होते हैं ऐसा ही होता है तो जितनी साइड्स होगी उतनी ही तो एंगल होंगे ठीक है तो ये रिलेशनशिप वहाँ पर काम आता है तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब क्वेश्चन आएगा अगर आपको साइड्स निकालनी है तो आप एक्स एक्सट्री एंगल ईच एक्सट्री एंगल को आप 360 के नीचे रख दीजिए और अगर आपको ईच एक्सट्री एंगल निकालना है तो उसके नीचे किसके थ्री सिक्सटी के नीचे आप साइड रख दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्लियर है बात तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे थैंक यू सो मच